से प्रवचन शुरू होगा। मैंने कहा जरूर होगा, नो डाउट, इसमें कोई भी शंका करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा महाराज आज वर्किंग डे है, संडे से होता तो बहुत अच्छा रहता, सलाह देने बहुत से लोग आते हैं दिन भर कमरे में। मैंने कहा आज गुरुवार है और गुरुवार से ही गुरु की वाणी शुरू होना चाहिए। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि गुरुवार है, शुक्रवार है, रविवार है, सोमवार है। यूं देखा जाए तो सारे वार शुभ हुआ करते हैं, और यूं देखा जाए तो कोई भी वार शुभ नहीं हुआ करता है। ना सोमवार अच्छा होता है, ना रविवार अच्छा होता है, ना मंगलवार अच्छा होता है। और यदि हमारे जीवन जीने का ढंग सही हो जाए तो हर बार अच्छा हो जाया करता है। शनिवार भी बहुत अच्छा, शनिवार को लोग बुरा मानते हैं, कोई शुक्रवार को बुरा मानते हैं, कोई रविवार को बुरा मानते हैं। बारों में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज घर में जाकर देखना आपके कैलेंडर में 7 वार बने हुए हैं। पहला वार कौन सा है बोलो? नहीं मालूम? पहला वार कौन बोला? पत्नी का वार। सोमवार से शुरू हुआ दिन रविवार को एंड हो जाता है, रविवार को छुट्टी हो जाती है। आप विचार करिए, आप सोचें, आप थोड़ा सा चिंतन करें। हर व्यक्ति के घर में एक एक कैलेंडर होगा और कैलेंडर में 7 वार बने होंगे। लेकिन 7 वार सुधारने की साधना आदमी जीवन भर करता है, लेकिन 7 वार सुधारने की साधना करने के बाद भी 7 बार में वह आंसू बहाया करता है, रोया करता है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा जीवन मत बनाओ कि संडे को ही खुशियां मिले, शनिवार को खुशियां मिले। छुट्टी वाले दिन ही खुशियां नहीं मिलना चाहिए, हर बार में खुशियां मिलना चाहिए। आज से मैं आपको इतना ही कहने जा रहा हूं कि आपके कैलेंडर में 7 बार बने होंगे। अब जो भी नए साल का कैलेंडर छपे तो 7 बार नहीं बनाना, उसमें 8 बार बनाने की प्रयास करना, कोशिश करना, एक बार और बनाना जो मैं आज तुम्हें देने का प्रयास कर रहा हूं। अरे रविवार भी होता है, सोमवार भी होता है, मंगलवार भी होता है, बुधवार भी होता है, गुरुवार भी होता है, शुक्रवार भी होता है, शनिवार भी होता है। इन बारों के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज से एक मेरा बार और जोड़ लेना, उस बार का नाम होता है परिवार। और परिवार विधि आपने देख लिया, आपके 7 बारों में 8वां वार परिवार है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिसने 8वां वार सुधार लिया उसके 7 वार अपने आप सुधर जाया करते। परिवार पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परिवार सही होगा तो हर बार सही होगा। ध्यान रखिए।